तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सॉर्टिंग। जी हाँ, सॉर्टिंग आज का टॉपिक है। और जैसे हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, ऐसे आज भी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, एक रिसर्च देंगे। सबसे बात करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सॉर्टिंग की जरूरत इसलिए होती है ताकि एक सिक्वेंस में हम अरेंज कर सके अपने डेटा को, एक सीक्वेंस में अपने डेटा को अरेंज कर सके, राइट? जैसे मान लीजिए कि आप आपके स्कूल में रिजल्ट निकलता था, तो रिजल्ट में अगर रिजल्ट रोल नंबर के हिसाब से है तो आप देख लेते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोल नंबर यूनिवर्सिटी का होता है जो कि सीक्वेंस नहीं होता, सारे कॉलेजेस को स्कूल को मिक्स कर देते थे। अगर उस केस में अगर आप रोल नंबर के हिसाब से देखेंगे तो काफी टाइम होगा, क्योंकि रोल नंबर सीक्वेंस नहीं रहता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो आपको उस समय पूरी लिस्ट देखनी पड़ती है। क्या बोल रहे सर? लेकिन अगर ठीक। आपके नाम के अल्फाबेटिक होता तो आप अपने नाम के सिर्फ अल्फाबेट पे देखते। जैसे कि आपका नाम अगर आदिल है तो आप ए और डी एल पे देखते। पहले आप ए वाले सी पे जाते, फिर ए डी वाले पे जाते, फिर ए डी एल वाले पे जाते। आपको ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, सेम उसी तरह से हम अपने यहाँ यहाँ पे भी करते। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें मुझे टॉप 5 का सेल्स लेना है। तो टॉप 5 के सेल्स में हम क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ से हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से टॉप 5 या टॉप 10, और फिर मैं इस पे फिल्टर लगा के फिल्टर बाय कलर से फिल्टर कर लूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम छोटी सी है कि जब डेटा काफी बड़ा होगा, लाखों करोड़ों में डेटा होगा, लाख करोड़ों से लाखों में डेटा होगा, तो फिल्टर में दिक्कत क्या होगी कि पीछे के डेटा को कॉपी कर लेना। दिक्कत होती है जब 5-7 लाख के डेटा पे फिल्टर लगाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। उससे अच्छा है कि मैं इस डेटा को यहीं पे कर दूं, यहां से शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू, सॉरी जेड टू, और यहां से उठा लूं। सिंपल सिंपल है ना सर? काउंट करके 5 5 10 10 15 15 सिक्वेंसली हमारा आ गया, उठा लेंगे। तो इस पर्पस से हम कस्टम सॉर्टिंग लगाते हैं। सॉर्टिंग में अब एक चीज आती है कि सॉर्ट करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करूं या बिना डेटा सिलेक्ट किए ही सॉर्ट करूं। अब इस पे ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर डेटा हमारा बीच में से ब्लैंक है, जैसे यहां आप देख रहे हैं डेटा हमारा ब्लैंक है, अगर डेटा हमारा ब्लैंक है तो हमें शॉर्ट करने समय सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंट्रोल ए पे चलता है और आपका इतना ही इस डेटा को शॉर्ट कर देगा, नीचे डेटा को कंसिडर नहीं करेगा। डेटा आपका शॉर्ट में कहीं पे कोई पूरा ब्लैंक नहीं है, रो या कॉलम, मतलब रो और कॉलम पूरी की पूरी ब्लैंक। जैसे नहीं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लैंक है तो नहीं शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा, पर इस कॉलम में पूरी ब्लैंक इस तरह से होना चाहिए, पूरा तो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मुझे किसी एक कॉलम को अकॉर्डिंग करना, मान लीजिए मुझे शॉर्ट करना है इस सीक्वेंस आईडी के अकॉर्डिंग, तो सीक्वेंस आईडी के फील्ड पे हम कलर कर्सर को रखेंगे वहीं पे ए टू जे और जे टू ए कर देंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे शॉर्ट करना है दो फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने नेम बाई शॉर्ट कर दिया, नेम बाई शॉर्ट कर दिया, तो यहां पे देखिए इंदर आ रहा है। अब इंदर के अंदर जो क्वांटिटी है वो अनसिक्वेंस है, हम चाहते हैं क्वांटिटी सिक्वेंस में हो जानी चाहिए, लोअर टू हायर। तो उस केस में अगर हम शॉर्ट टू एजेड क्वांटिटी के ऊपर करेंगे तो फिर आपका नेम हट जाएगा। तो मुझे दो फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है या दो से ज्यादा, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, उसका सेकेंडरी के सेकेंडरी इस तरह से। तो हम यहां कस्टम, अब देखिए मैंने सिलेक्शन पूरा नहीं कर रखा है तो बोल रहा है एक्सपेंड करना या फिर जो सिलेक्टेड है उसी में करना। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि डेटा खाए तो पूरा सिलेक्ट होना चाहिए ना तो थोड़ा बहुत सिलेक्ट होना, थोड़ा बहुत सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। एक कर्सर पे रख दो कर्सर, कलर और स्टार्ट कर। अब यहां पे देखिए क्या है कि डेटा सिलेक्शन रो 2 से हुआ है,
देखिए कभी कभी ये पूरा सिलेक्शन होगा और यहाँ पे ए बी सी डी के फॉर्म में आया, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे माई डेटा हैज अ हेडर्स नहीं है, कभी कभी डिफॉल्ट होता है, कभी कभी हो जाता है, डेटा प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग होते रहता है, तो उस केस में इसको हमें क्या करना है, माई डेटा हैज अ हेडर पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो भी करना कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे पहले लेना है नेम, तो मैंने इस पे नेम ले लिया और इसी में कर दिया एड लेबल और हमने बोल दिया क्वांटिटी एंड इसको ओके कर देते, ठीक है, क्लियर सर? जी सर ये तो नॉर्मल शॉर्टिंग मुझे लग रहा आपको आता होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज है जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जैन फैब लिख दिया, अब मुझे अगर मंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो क्या होगा सर? अप्रैल पहले आएगा, जनवरी तो नहीं आया पहले। जी आपको मंथ कैलेंडर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि अप्रैल के बाद ये मई है, फाइनेंशियली ने सॉर्ट किया है, इसने अल्फाबेटिक सॉल्व किया है, सॉर्ट किया है जी। मंथ वाइज सॉर्ट करना है जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है, तो आप यही पे कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और मंथ रहेंगे ए टू जेड के जगह पे यूज करेंगे कस्टम लिस्ट, और इस कस्टम लिस्ट में आप यहाँ पे जैन फैब को सिलेक्ट करके ओके कर। अब आपका शॉर्टिंग जो है वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोग बोलते नहीं 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 मुझे कैलेंडर ईयर अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं करना है, मुझे शॉर्ट करना है अप्रैल टू मार्च इन द फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो उस केस में भी आप कस्टम शॉर्ट पे जाए, कस्टम लिस्ट, और यहां पे आप अपना जैन फैब है ना, ऐसी कस्टम लिस्ट पे आप यहां अप्रैल टू मार्च के लिस्ट बना ले, जैसे कि हमने नेम और सिटी वगैरह के लिए बना रखा है, ठीक है सर? ऐसे आप नेम लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो नेम तो अल्फाबेटिक होगा, मुझे तो नहीं नहीं मेरे सीक्वेंस है कि पहले टीम लीडर आना चाहिए, फिर मैनेजर, फिर टीम लीडर, फिर इस तरह से आना चाहिए, तो लिस्ट हमने बना रखा है, पूजा पे सब पे टॉप पे पूजा, फिर नीरज, फिर कविता, फिर मोहन, इस सीक्वेंस में आना चाहिए, तो आप ओके कीजिए, ओके कीजिए, ये आपको उसी सीक्वेंस में आया। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसके अलावा कोई नाम हो तो नीचे अल्फाबेटिक आएगा, ठीक है जी। विदाउट अदिल जी, यूसुफ जी, निकिता जी, आगे बढ़ते हैं। अब कस्टम शॉर्ट शॉर्ट में हम यहां आते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ नाम को छोटा कर दिया है, जैसे हमने इसको कर दिया पूजा, पूजा में स्मॉल कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मिक्स आएगा, अगर मैं नेम बाय सॉर्ट करता हूं, मान लीजिए इसी को नॉर्मल सॉर्ट भी कर देते, चाहे जो भी सॉर्ट कर देते, यहाँ पे ये आपका मिक्स आया, मैं चाहता हूँ कि नहीं कैपिटल अलग हो जाए और स्मॉल अलग हो जाए, तो उस केस में आप शॉर्ट करते समय, कस्टम शॉर्ट करते समय आप क्या करेंगे, यहां ऑप्शन पे और शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, क्या करेंगे आप, शॉर्ट लेफ्ट लेफ्ट टू राइट राइट, नहीं माफ कीजिएगा आप मैं गलत बोल गया, क्या होगा सुबह सॉरी, यहां पे करना है केस सेंसिटिव, ठीक है, क्या करना है केस सेंसिटिव, तो यहां पे देखिए आपका स्मॉल जो
स्मॉल जो है नीचे आ गया, नीचे से आता नहीं है, नीचे आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम शॉर्ट लेफ्ट टू राइट ही नहीं, हम शॉर्ट जो है राइट ए भी कर सकते हैं, टॉप टू डाउन नहीं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं अल्फाबेटिक, नाम क्या हो गया, और यहां पे मैं अपना सेल्स दे देता हूं। और यहां पे कस्टम चुन, कस्टम सॉर्ट करते समय यहां ऑप्शन पे जाएं, लेफ्ट टू राइट शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और यहां पे हमारा रो वन के अकॉर्डिंग करना तो रो वन के अकॉर्डिंग, रो टू के अकॉर्डिंग करना तो रो टू के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो हुई हमारी नॉर्मल शॉर्टिंग की बात। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक्स के ऊपर। तो हमें एक काम पड़ता है कि मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो देना है। क्या करना है, हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो। हमारे पास ऐसा 10-20 हजार का डेटा है तो मैनुअली जो करने में काफी दिक्कत होगा। हमारे पास एक सोल्यूशन था कि हम सबसे लास्ट में एक सीरियल नंबर का ऑप्शन देते हैं और यहां पे हम एक सीरियल नंबर लिख देते हैं। इसी सीरियल नंबर को रिपीट कर देता हूं। अब इसमें लॉजिक क्या है कि मेरे पास सीरियल नंबर में दो डेटा है। पहला डेटा है यहां पे वन, जिसमें हमारे पास डेटा है, और नीचे भी एक वन है जो कि ब्लैंक है। लेकिन जब शॉर्ट, अब मैं सीरियल नंबर अकॉर्डिंग शॉर्ट करूंगा तो ये दोनों वन इकट्ठा हो जाएगा, वन अपना पूरा ब्लैंक रो के जाएगा, लेके जाएगा, और वन पहला वन के पास हमारे पास डेटा है, एक डेटा एक ब्लैंक, डेटा एक ब्लैंक, ऐसे हो जाएगा। समझे जी? तो मैं अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। एक डेटा एक ब्लैंक हो गया, बाद में इस रो को डिलीट कर देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के डेटा आते हैं, कुछ डेटा होते कहीं ब्लैंक होते, कुछ डेटा होते कहीं ब्लैंक होते, मतलब कि 10-15 रो के बाद ब्लैंक, फिर ब्लैंक, बहुत सारे ब्लैंक रो होते हैं। तो मुझे ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए जनरली आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उस फिल्टर लगा के डिलीट करते हैं। जैसे फिल्टर, जब लार्ज डेटा होती है उसमें फिल्टर काफी लेट परफॉर्म करता है, तो हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट। तो शॉर्ट जब करेंगे किसी एक के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे कस्टम शॉर्ट में आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर एस आई डी के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जितना ब्लैंक है वो ब्लैंक आपका नीचे आ जाता है, ठीक है ना, वो डिलीट नहीं करता है। एक ऐसा बेनिफिट आपका आता है। अब मेरे पास दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो दो क्वेश्चन कीजिएगा कि एक क्वेश्चन कीजिएगा, वो कौन है, वीकेंड दो दे दिए। अच्छा चलिए, वीकेंड है तो दो दे देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, नोट पैड ले लीजिए, जहां दिक्कत होगा वहां नोट कर लीजिएगा जी। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल, कि मैं यहाँ पे हर तीन के अकॉर्डिंग ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहता हूं। मतलब कि अभी आपने जो किया उसमें क्या किया कि हर एक रो के बाद था, अब मुझे इसी को चेंज करना है कि हर तीन के बाद या पांच के बाद या सात के बाद, वो नंबर मेरा है, मैं अपने अकॉर्डिंग एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहता हूं। इसका एक शॉर्ट वर्ड आप लोग इजाद करें और नेक्स्ट क्लास में मुझे एक्सप्लेन करें। ओके, मुझे समझ में आ गया जी।
सबको आ गया, यस सर। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है लेकिन उसमें थोड़ा सा हमने बदलाव कर दिया है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नेम लिस्ट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने नेम का लिस्ट दे देता हूँ, डेटा बना लीजिएगा, ठीक है, मैं बस दिखा रहा हूं। और यहाँ पे प्रोडक्ट डेट ऐसे कुछ ऐसे हेडिंग है जो कि 50, 60, 100, 150, 200 भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास डेटा है, लैंड बिटवीन से मैं डेटा ला देता हूं। ठीक है, वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, इस तरह का डेटा है। अब मुझे जिसको डेटा प्रेजेंट करना है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे परसेंटेज दो टारगेट अचीव का। तो टारगेट क्या था, 70 था, तो हमने इसको इंसर्ट किया। अब यहाँ पे परसेंटेज का देंगे या जो भी एक हेडिंग देंगे और हर नंबर को डिवाइड करेंगे 70 से, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल। एक काम मुझे हर कॉलम के लिए करना है। क्वेश्चन आपका ये भी है कि आपको इसका भी एक शॉर्टकट बनाना है। इस काम को मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहता। तो क्या इस काम को 2 मिनट में किया जा सकता है पूरे, चाहे डेटा 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000 हो, समझे? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? तुम्हारे कॉलम के लिए परसेंटेज लगाना है। हाँ, जैसा ये फिर इसके हो गया, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं यहाँ पे परसेंटेज लगाऊंगा, फिर इसको डिवाइड करूंगा, फिर इसको नीचे ड्रैग करूंगा। तो 2 तरीके ढूंढने हैं आपको। तो मेरे पास मेरा तरीका है, लेकिन आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ अलग तरीका ढूंढ के लाए जो मुझसे भी कम टाइम लेता हो, आसान हो। नहीं तो फिर मेरा तरीका तो आपको एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, ठीक है?